ठीक है गाइस, आज हम लोग देखने वाले हैं रियलिस्टिक फेस टेक्सचर। तो फर्स्ट ऑल क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पे एक रफली हमने फोटो क्लिक किया है। तो रफली फोटो क्लिक में देखो ये बैकग्राउंड बहुत अच्छा है, तो हम लोग यहाँ पे कंट्रोल जे कर दिया मैंने यहाँ पे, ये पार्ट में बस यहाँ पे कंट्रोल जेड, कंट्रोल स्विफ्ट आई एंड कंट्रोल जे, ये पार्ट में बस यहाँ पे आ गया। ठीक है, अच्छा है। यहाँ से मैंने एक रफली कट कर लिया, वी प्रेस किया, चीज़ों को समझोगे बहुत अच्छा लगे। यहाँ पे ये सेट किया, ठीक है। अब यहाँ पर मुझे चीज़ों को मैनेज करना है, यहाँ पे चीज़ों को मैनेज कैसे करेंगे वो आपको बताता हूँ। ठीक है, पहले चीज़ यहाँ पे है, दो फोटो लिए मैंने फ्रंट एंड साइड, कंट्रोल टी कर दिया। मेजरमेंट आपको यहाँ पे ध्यान देना है, जैसे हम लोग फोटो देख के हम लोग जब मॉडल बनाते हैं वैसे हमें ये फोटो देख के भी टेक्सचर बनाना था। ये पार्ट हमने यहाँ पे किया, ये पार्ट मैंने यहाँ पे कर दिया। ठीक है, यहाँ से कुछ इस टाइप से पार्ट किया मैंने यहाँ पे। ठीक है, ये देखो, देखना यहाँ पे ये पूरा पार्ट यहाँ से, तो मुझे यहाँ पर अभी अंदाज़ा मिल जाएगा कि मैं साइड वाले फोटो को कैसे प्ले करना है। तो कंट्रोल टी कर दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है, छोटा किया, इसको मैं उठा के यहाँ पे लगाता हूँ। ठीक है, चाहिए वहाँ से मैच होनी चाहिए, लाइक नोज से नोज, यहाँ से आईब्रो से आईब्रो, दिख रहा है यहाँ पे, ये पूरा पार्ट यहाँ से मैच होना चाहिए। तो हम इतने ही पार्ट लेने हैं अभी। मैंने रफली क्योंकि अभी बताता हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पे क्या करना है, मास्क करना है। मास्क पे गए, ठीक है, वी प्रेस किया मैंने यहाँ पे, साइज़ का ब्रश साइज़ बड़ा कर देते हैं यहाँ पे। ठीक है, और ब्रश साइज़ बड़ा करने के बाद मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं कर देता हूँ यहाँ पे मास्क, इसे मुझे ऐसे मर्ज करना है यहाँ पे, इसलिए मैंने रफली यहाँ पे क्या देखा है। और यहाँ पे ये पार्ट आपका ऐसे कुछ यहाँ पे मुझे मैनेज करना है। ठीक है, यहाँ पे अभी होता क्या, टेक्निकली देखा जाए तो मेरे पास यहाँ पर चीज़ें बहुत आती है। यहाँ पर मैं चीज़ों को मैं मैनेज करता हूँ, मेरे पास ये पार्ट ऐसे आएगा, चीज़ों को मुझे कैसे मैनेज करना है, किस टाइप से चीज़ों को फुलफिल करना है, वो चीज़ें यहाँ पर देखना पड़ता है क्या, कि अगर मैं चीज़ों को देखूँ यहाँ पर तो इसे पे बस कुछ इस टाइप से दिखेगा। ठीक है, ब्लेंड करना है, ठीक है, लाइट सोर्स सब कुछ मैच करते हैं हम लोगों ने। ठीक है, हम लोगों ने यहाँ पर ऐसे कुछ रिसोर्सेज बहुत बढ़िया नहीं थे, तो हमने जस्ट फ़ोन के कैमरे से हमने यहाँ पर चीज़ों को मैनेज कर दिया। ठीक है, वी प्रेस किया, सेट किया यहाँ पे, ये मुझे ऐसा कुछ दिखाना है कि भाई वो चीज़ें उसके साथ लगे। एग्जैक्ट करने के लिए थोड़ा टाइम लगता है, और हम लोग यहाँ पे जस्ट R&D कर रहे थे हम लोग कि चलो भाई कहाँ हमें रियलिस्टिक टेक्सचर चाहिए, तो हम लोग ऐसा कुछ कर लेते हैं। तो वैसे एक टेक्सचर के लिए अगर ऐसा कुछ करना होता है, एंगल्स ऐसे होते हैं जहाँ नीचे के भी एंगल्स दिए जाते हैं क्या, नीचे के भी एंगल्स चाहिए, तो उसके लिए हम लोग अलग अलग इमेज देखते हैं। ठीक है, देखिए हम कुछ कुछ रफली एक बार हम लोग यहाँ पर देखें, कुछ कुछ चीज़ है मेरे पास यहाँ पर, तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा और काम करके देखता हूँ। मैंने यहाँ पे क्या किया, लेसर टूल लिया, यहाँ से मुझे इतने ही पार्ट चाहिए। ठीक है, वी प्रेस किया मैंने यहाँ पे एंड क्लिक एंड ड्रैग, यहाँ पे उठा के लगा दिया यहाँ पे। ठीक है, फिल अमाउंट, यहाँ पे जो गैपिंग है उस गैप को मैं फुलफिल करने वाला यहाँ पे। ठीक है, फिल अमाउंट पे गए यहाँ पे, ठीक है, इसको भी मैं मास्क कर देता हूँ यहाँ पे, बिफोर ब्रश, ठीक है, ये शेप्स को भी मैं पे, अब थोड़ा सा लाइटिंग मैच करके यहाँ पे चीज़ों को मैनेज किया जाता है। यहाँ पे मुझे सिर्फ नीचे वाला पार्ट चाहिए, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, ये पार्ट मैंने यहाँ पे मैनेज किया, ये पार्ट मैंने यहाँ पे मैनेज किया, तो इन चीज़ों को मैं ऐसे करके मैं मैच कर सकता हूँ। क्या देखा, टेक्सचरिंग वाले पार्ट को मुझे यहाँ पे थोड़ा सा लेके चलना, तो ये पार्ट में हल्का सा इधर में इसको यहाँ पे मिलाऊंगा। ठीक है, यहाँ चेक करो, ये पार्ट है मेरे पास यहाँ पे, ये दिख रहा है यहाँ पे हल्का सा थ्री पोर्ट पार्ट हम लोग यहाँ पे लेते हैं यहाँ पे। तो थ्री पोर्ट पार्ट के लिए यहाँ पे क्या किया मैंने, बिफोर ब्रश, ठीक है, और साइज़ को मैंने यहाँ पे क्या किया, ये पार्ट मैंने कुछ इधर से सेट कर दिया, देखो मिल जाएगा मुझे यहाँ पे। तो हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ऐसा कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स देखेंगे यहाँ पे कि भाई मुझे अगर ऐसा कुछ मिल रहा है, देखो यहाँ पे ज़्यादा दिख रहा है, तो मैंने यहाँ पे एक्स प्रेस किया और अपोजिट में जाके यहाँ पे थोड़ा सा मैंने मैनेज कर दिया, इतना पार्ट मुझे चाहिए क्या बस। समझो अब जो पार्ट में बस कम हो वो पार्ट मैं उधर उस एंगल से फोटो क्लिक करके करता हूँ। इसलिए अगर हम लोग टेक्निकली देखें तो एक कैरेक्टर को टेक्सचर करने के लिए कम से कम अगर प्रोफेशनली जाते हो 230 इमेज फोटो क्लिक होते हैं फेस के, कम से कम हर एंगल का, ऊपर से नीचे से आइज़ का, तो वैसा पार्ट मैं आपको दिखाऊंगा। ठीक है, तो वो भी देखेंगे भाई कैसे क्या काम करते हैं, लेकिन अभी फिलहाल में देखते हैं कि हमें थोड़ा सा अगर जल्दी में कुछ काम करना है फिर तो मैं कैसे क्या कर सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे देखिए हार्ड पार्ट दिखे यहाँ पे, तो इसको जाके हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, ये पार्ट मैंने यहाँ से भाई हटाया। ठीक है, एक्सप्रेस किया मैंने, और एक्सप्रेस करने के बाद देखो एक्स एक्स देखना है भाई, चीज़ को ऐसे ब्लेंड करके रखने की वो चीज़ पता ना चले। अभी देखो यहाँ पे देखो इस वाले पार्ट में थोड़ा सा कलर का पार्ट आ रहा है यहाँ पे, इमेज पे गए कंट्रोल माइनस, ठीक है, इमेज एडजस्टमेंट, यहाँ पे आपका होता है कलर बैलेंस होता है यहाँ पे, कहाँ गया कलर बैलेंस, कलर बैलेंस में जाके यहाँ पे थोड़ा सा मुझे ये पार्ट थोड़ा सा मुझे मिलाना है, तो मैं यहाँ पे करूँ रेड का पार्ट मुझे देखें, हल्का सा मुझे रेडिस पार्ट यहाँ पे देखना है। ठीक है, ये पार्ट में यहाँ पे देखना, ये पार्ट थोड़ा सा मुझे इस टाइप से थोड़ा सा लेके चलना था कि मेरे पास एक कलर वाला पार्ट हो, कलर पार्ट को थोड़ा सा मैं मिला सकूँ यहाँ पे। चीज़ें सेम ही है लेकिन क्या थोड़ा सा आपको यहाँ पर हल्का फुल्का टचअप देना पड़ेगा, अब ये थोड़ा सा बेटर लग रहा है कि भाई मेरे पास यहाँ पे काम कर जाएगा। यहाँ पे ऐसे फोरहेड वाला पार्ट भी होता है, फोरहेड वाला पार्ट को मैं कैसे मैं मैच कर सकता हूँ, तो नॉर्मली क्या है कि चीज़ों को हम लोग कैसे मैच करें यहाँ पे। ठीक है, तो ये पार्ट मैंने ऐसा कुछ किया, ये पार्ट यहाँ पे किया और ये पार्ट यहाँ पे कर दिया यहाँ पे गए, ठीक है, मिला यहाँ पे। ठीक है,
तो सिर्फ यहाँ पे थोड़ा सा मिला के मैं मैनेज कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, अभी मैंने ऐसा कुछ किया यहाँ पे, अभी मेरे पास यहाँ पे कुछ पार्ट है, कुछ पार्ट हम लोग क्लोन से भी कर लेते हैं क्या। जैसे ये पार्ट है ना मेरे पास यहाँ पे, तो ये पार्ट अगर मैं देखूँ यहाँ से मैंने किया, यहाँ पे इतना पार्ट मेरे पास यहाँ पे आ गया, इतना पार्ट मेरे पास यहाँ पे दिख रहा था। मैं यहाँ पे थोड़ा सा कंट्रोल जेड एक्सप्रेस किया मैंने यहाँ पे, थोड़ा सा ये पार्ट इतना ही पार्ट दिख रहा है, ठीक है। तो मैंने एक्स ऑन करके यहाँ पे ये पार्ट थोड़ा सा मैंने यहाँ पे कंट्रोल टी करके थोड़ा सा मैं बड़ा भी कर लूँगा यहाँ पे, हल्का फुल्का थोड़ा सा मैं बड़ा एडजस्टमेंट कर सकता हूँ क्या। ऐसे किया मैंने यहाँ पे, ठीक है, ये शेप्स को मैं यहाँ पे कर लूँगा। मुझे चाहिए कितना, सिर्फ इतना पार्ट चाहिए, तो जितना पार्ट है मैं चाहिए मैं उतना रखने वाला हूँ। फेस वाला पार्ट ही चाहिए मुझे यहाँ पे, तो मैंने यहाँ पे ये पार्ट यहाँ पे कर रखा है, ये पार्ट मैं बस यहाँ पे कर रखा है, ठीक है, दिख रहा है पार्ट। अब ये पार्ट मैंने यहाँ पे सेट किया, मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, सी फॉर क्रॉप, टेक्निकली यहाँ तो बहुत सी चीज़ें होती हैं यहाँ पे, ठीक है, लेकिन चलो यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा चीज़ों को जल्दी में स्पीड एंड फास्टर ये पार्ट कर दिया मैंने, ये पार्ट कर दिया। 48 वाला पार्ट भी मुझे मिलाना पड़ेगा, 48 वाला पार्ट पे देखो ना पे कितना, ये आपका 48 वाला पार्ट है, थोड़ा सा कम नज़र आ रहा है आपके पास यहाँ पे। इसको यहाँ पे गए, थोड़ा सा मैंने यहाँ पे क्या किया, चल भाई यहाँ से बिफोर ब्रश यहाँ पे मैच कर देंगे यहाँ पे, ठीक है, ओके। ये मैंने पार्ट यहाँ पे सेट कर दिया, अभी देखो ऐसे करके यहाँ पे एन टेबलेट से करते ऐसे मैच हो जाता है यहाँ पे, देखिए अब ये पार्ट हल्का हल्का आप ब्रश स्ट्रोक डालोगे तो ये पार्ट आपको ऐसे दिखेगा। अभी चलो यहाँ पे जल्दी में हमने यहाँ पे किया, ठीक है, इनको सेलेक्ट कर दिया, 1 2 3 कंट्रोल ऑल्ट शिफ्ट एंड ई, चार बटन प्रेस किया मैंने यहाँ पे सेट कर दिया यहाँ पे, ठीक है, एम प्रेस किया यहाँ पे सेट कर दिया, देखिए दिख रहे हैं आप पार्ट, ठीक है, कंट्रोल जे कंट्रोल टी, यहाँ से इसका प्राइवेट गायब, किसका फेस बिगाड़ना तो बिगाड़ सकते हैं ऐसे क्या, ठीक है, वी प्रेस किया मैंने यहाँ पे, देखिए देखिए वी पार्ट में ऐसा कुछ, ऐसा कुछ कर सकते हैं अभी, ये चिपका देना, ठीक है, ऐसे चिपका दोगे तो आपका काम हो जाएगा यहाँ पे। और देखिए यहाँ पे, हाँ ठीक है, अभी तो बहुत अगर आपको लगे कि भाई मुझे यहाँ पे थोड़ा सा कुछ काम करना है तो यहाँ पे जाके बी फॉर ब्रश हल्का सा मास्किंग के साथ आप यहाँ पे प्ले कर सकते हो, साइज़ छोटा करने पे शिफ्ट के साथ यहाँ से मैंने सॉरी यहाँ पे मास्क किया मैंने यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे क्लिक किया यहाँ पे, यहाँ से के यहाँ पे क्लिक कर दिया, मुझे अगर थोड़ा सा ब्लेंड करना है तो वैसे ही ब्लेंड कर सकता हूँ क्या, तो अगर ऐसा कुछ पार्ट आता है तो हम लोग ऐसा कुछ कर देंगे, ठीक है, ठीक है, काम कर जाएगा यहाँ पे। अभी ये मैंने फ्लैट जैसे टेक्स्चर बना दिया, ठीक है, अभी ये टेक्स्चर को उठा के लगाना है तो कैसे लगाएंगे दिखाता हूँ, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसको मैंने सेलेक्ट कर दिया यहाँ पे, ठीक है, 1 2 3 एंड यहाँ पे जो भी मेरे पार्ट है यहाँ पे, तो यहाँ पे मैंने जो क्लियर ये ले रखा, क्लियर ये ले रखा, तो इन दोनों को मैं सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है, और कंट्रोल जी कर दिया मैंने यहाँ पे, देखो पार्ट दिख रहा है यहाँ पे, वी प्रेस करता हूँ, वी प्रेस किया मैंने यहाँ पे वी, एंड देन मैं एक यहाँ पे टेक्स्चर बनाऊँ, इसके ऊपर मैं लेके जाता हूँ, भाई ऐसा कुछ काम करना है मुझे यहाँ पे, मैं ऐसा कुछ कर सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है, शिफ्ट क्लिक एंड ड्रैग, यहाँ देखो साइज बहुत बड़ा है, कोई दिक्कत नहीं, कंट्रोल टी कर देना, छोटा कर देना पे, ठीक है। अभी मुझे यहाँ पे चीज़ों को सेट करना है, मैंने बहुत फिनिशिंग नहीं दी, एक बेसिक सा पार्ट दिया कि मुझे थोड़ा सा एक इम्पैक्ट दिखाना है कि भाई चलो अगर आपको चाहिए कि भाई मुझे थोड़ा सा रियलिस्टिक टाइप से मुझे अगर यहाँ पे चीज़ों को मैनेज करना है तो मैं कैसे कर सकता हूँ, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, इसको मैंने पकड़ा, ठीक है, ये पार्ट दिख रहा है आपके यहाँ पे। अभी इस यूवी है यहाँ पे, मान लो मेरे पास यूवी नहीं है, इस यूवी के अकॉर्डिंग मुझे अरेंज करना है यहाँ पे, ये समझ के चलो ये यूवी है, यूवी के अकॉर्डिंग ही आपको अरेंज करना है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे क्लिक किया मैंने यहाँ पे, ठीक है, हल्का सा छोटा करता हूँ यहाँ पे, ये पार्ट ठीक है, अभी छोटा बड़ा यहाँ पे पोजीशन आपको यहाँ पे सेट करना है, देखो यूवी समझो ये यूवी से आपके यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा सेट करना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे मैंने ग्रुप में मैंने किया तो मैंने पूरा नहीं किया यहाँ पे, ठीक है, अभी इसको मैं अगर मैं यहाँ पे थोड़ी सी मैं मेहनत करता हूँ यहाँ पे, देखो ये अरेंजमेंट करने वाला पार्ट किया, जैसे मैं यूवी पे काम कर रहा हूँ यहाँ पे, यूवी में कैसे दिख रहा है मुझे यहाँ पे, देखो ठीक है, ये पार्ट मुझे यहाँ पे दिख रहा है, अगर ये पार्ट में करूँ यहाँ पे देखो ये पार्ट दिख रहा है मुझे यहाँ पे। अभी मुझे इसके अकॉर्डिंग अलाइन करना है क्या यहाँ पे, सपोज मेरे पास यूवी ऐसा ही है तो मैं यूवी के साथ मैं ऐसे ही कंट्रोल प्लस किया मैंने यहाँ पे, ठीक है, यहाँ देखो यहाँ पे है, ठीक है, ये पार्ट मैंने यहाँ पे सेट किया, ये पार्ट मेरे पास यहाँ पे आ गया, ये नोज वाला पार्ट यहाँ पे, तो मुझे यहाँ पे ऐसा कुछ मैनेज करना पड़ेगा, आईब्रो वाला पार्ट ऐसा है तो ऐसे करके मुझे थोड़ा सा मैच करना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, कंट्रोल टी कर दिया यहाँ पे, ये ले रहे ना मेरे पास यहाँ पे, तो मैंने कंट्रोल टी किया यहाँ पे, ठीक है, कंट्रोल माइनस शिफ्ट, ठीक है, ऐसा कुछ सेट करें यहाँ पे, भाई चल ऊपर आ जाए यहाँ पे, ये पार्ट यहाँ पे, ये पार्ट और यहाँ से यहाँ तक दिख रहा है यहाँ
अभी ये पार्ट मैंने कुछ ऐसा अरेंज किया क्या यहाँ पे, अभी ये अरेंज करने के बाद मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे मैं इसी को तो था लेकिन मुझे जब भी हम लोग मॉडल बनाते हैं तो उसमें क्या होता है, जैसे देखो मेरे पास ये मॉडल है ठीक है, ये मॉडल लिख रहा है यहाँ पे, मुझे मॉडल तो हेयर अलग से बनता है क्या यहाँ पे, तो यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, इस पर मैं जाता हूँ स्विच करता हूँ अपने फोटोशॉप पे, इन चीज़ को मैं यहाँ पे लाइक मास्क कर देता हूँ, ये पार्ट है ना मेरे यहाँ पे, तो बी फॉर ब्रश हमें पहले गंजा ही बनाना पड़ता है, तो लाइक माइंड नहीं करना गंजा बोलेंगे तो फिर तभी काम चलेगा यहाँ पे ठीक है। ये पार्ट मैंने यहाँ पे क्या ऐसे मैं जाकर हल्का सा मैं हेयर अपना अलग से बनाना पड़ जाता है यहाँ पे ठीक है, ये पार्ट बस यहाँ पे है और मैंने यहाँ पे थोड़ा सा मैनेज करना स्टार्ट कर दिया यहाँ पे ठीक है, ये थोड़ा सा बेसिक से मैं यहाँ पे ब्लेंड करता भाई, ये पार्ट मेरे पास ऐसा है ठीक है, मैंने ऐसा कुछ किया। अभी अपने फेस को यहाँ पे सिंपल से पार्ट को यहाँ पे मुझे मैनेज करना है ठीक है, जैसे मेरे पास देखो यहाँ पे मैं टाइम थोड़ा सा कम है तो मैं थोड़ा सा इस टाइप से मैं चीज़ों को मैं मैनेज करता देखो ठीक है। अभी क्या आप एग्जैक्ट मॉडल इसको मैच करके बनाओगे तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, अभी हम लोग टेक्स्ट उठा के लगा रहे हैं यहाँ पे ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ इसको थोड़ा सा यहाँ पे देखो, अभी एक एक पार्ट को उठा के आपको लगाने से आपको पता चलेगा भाई मेरे पार्ट कैसा है, ये देख रहे हैं ये पार्ट है मेरे पास यहाँ पे अपने सेट किया मैंने यहाँ पे ये ईयर यहाँ पे ठीक है, ईयर का पार्ट है चलो ईयर भी इसका ही ले लेते हैं हम लोग यहाँ पे, ये देख रहे हैं ये पार्ट, तो इसके अकॉर्डिंग मुझे अरेंज करना पड़ेगा क्या यहाँ पे, अगर मुझे ऐसा कुछ पार्ट बनाना है तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ वी प्रेस किया, ये देख रहे हैं ये पार्ट मेरे यहाँ पे नोज ठीक है, यहाँ पे आइज वाला पार्ट कैसे जा रहा है, आइज वाला पार्ट यहाँ पे देख रहे हैं यहाँ पे ठीक है, तो इसको हम लोग थोड़ा सा मैनेज करते हैं और यहाँ पे थोड़ा सा बिफोर ब्रश मुझे यहाँ पे क्या करना है, देखो मुझे यहाँ पे चीज़ों को कुछ इस टाइप से मैनेज करना है कि हेयर वाला पार्ट ना दिखे, देखिए यहाँ पे ये हेयर वाला पार्ट आपको यहाँ पे ना दिखे, यहाँ पे क्या है इतना पार्ट में यहाँ पे थोड़ा सा मैं मैनेज करना था कि मेरे पास इतना पार्ट दिखे यहाँ पे ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कंट्रोल जे कर दिया कंट्रोल टी कर दिया, हेयर वाले पार्ट के लिए मुझे यहाँ पे और भी मैनेज करना पड़ेगा ठीक है, मैंने यहाँ पे क्या करते हैं वर्टिकल नहीं हॉरिजॉन्टल करना है मुझे यहाँ पे, ये देखो ये पार्ट आप बस यहाँ से यहाँ तक ठीक है, ये पार्ट मैं देखो यहाँ पे ये पार्ट मैंने यहाँ से यहाँ तक किया, अभी देखते हैं यहाँ पे भाई अगर मैं इसे सेव कर देता हूँ यहाँ पे तो मेरे पास कैसे जाता है ठीक है, तो अभी ट्विक करना पड़ेगा ट्विक अभी करेंगे यहाँ पे, देख रहे ये पार्ट मैंने यहाँ पे किया एंटर किया मैंने यहाँ पे और यहाँ से मैंने क्या किया इसको दोनों को सेलेक्ट कर रखा यहाँ पे ठीक है, वी प्रेस करके अभी यहाँ पे मैं क्या करता हूँ इसके सेट पे लेके चलता हूँ पे, सेट कौन सा मेरे पास यहाँ पे फोटोशॉप में यहाँ पे एक सेट है यहाँ पे कहाँ गया सेट एक मिनट ठीक है, ये हमने वन बाय वन करके एक एक पार्ट कट करके हमने मैनेज किया, कंट्रोल ई कर दिया मैंने यहाँ पे ठीक है, कंट्रोल जे कर दिया कंट्रोल टी कर देते हैं यहाँ पे तो अभी हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं यहाँ पे सिंपल सा पार्ट इसको ऐसे कुछ मैनेज कर लेंगे यहाँ पे मेक श्योर कि कहीं पे कोई चीज़ छूटे नहीं। अभी हम लोग एक रफली हमने किया था रफली के अकॉर्डिंग हम लोग देखते हैं भाई क्या है कैसा है ठीक है, एंटर किया मैंने यहाँ पे वी प्रेस किया मैंने यहाँ पे लगाया ये ऐसा कुछ पार्ट मुझे दिख रहा है यहाँ पे ठीक है, कंट्रोल ये सेट कर दिया मैंने यहाँ पे फिल अमाउंट कम कर दोगे ये आपके पास काफ़ी हद तक चीज़ें मिलेंगी यहाँ पे, तो अभी मैं यहाँ पे क्या करता हूँ यहाँ पे मैंने सेट किया ये पार्ट में बस यहाँ पे जाने वाला है तो ठीक है एक रफली देख लेते हैं यहाँ पे भाई कैसे क्या काम कर सकते हैं हम लोग ये देखें आ गया भाई ये पार्ट आपका यहाँ पे ठीक है, थोड़ा सा टचअप देना पड़ेगा टचअप हमने ज़्यादा कुछ नहीं दिया तभी मैंने यहाँ पे किया, अभी इसको उठाता हूँ यहाँ पे वन टू थ्री यहाँ पे कलर भी मैच करना पड़ेगा मुझे यहाँ पे, देखो दोनों पार्ट है ना बस यहाँ पे कंट्रोल ई कर दिया मैंने यहाँ पे इमेज एडजस्टमेंट यहाँ पे मैच कलर भी होता है क्या मैच कलर पे क्या यहाँ पे इस वाले पार्ट पे क्या इसी में है ना हम लोग यहाँ पे अनटाइटल वाले में है अनटाइटल टू में यहाँ पे मुझे कौन सा कलर लेना है यहाँ पे लेयर वन का कलर दिखा आपके पास यहाँ पे ये कलर थोड़ा सा मैं यहाँ पे ब्लेंड करके फेड करके यहाँ पे समझ ये डेप्थ भी हमें ख़त्म करना पड़ता है जो डेप्थ दिख रहा है आपके पास यहाँ पे ये डेप्थ भी मुझे यहाँ पे थोड़ा सा मैनेज करना पड़ता है, मुझे अगर मैनेज करना है तो मैं यहाँ पे कैसे क्या मैनेज कर सकता हूँ यहाँ पे इधर क्या देन अभी मैं यहाँ पे क्या करता हूँ इसको मैंने सेलेक्ट किया वन टू एंड कंट्रोल जी कर दिया ग्रुप ठीक है वी प्रेस किया एंड यहाँ से उठा के मैं यहाँ पे लगाता हूँ, ये थोड़ा सा पेशेंस वाला काम है क्या भाई, ये पेशेंस वाला काम आपको थोड़ा सा लाइक उससे पहले आराम से करना पड़ता है क्या हमें, देखिए पार्ट मैंने यहाँ पे सेट किया कंट्रोल प्लस यहाँ देख ठीक है यहाँ पे सेट किया, अभी मैं यहाँ पे क्या करता हूँ इसको मैं अगर सेव कर देता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे काम अपने आप अप्लाई हो जाएगा यहाँ पे
टेक्सचर एक ऐसा पार्ट है जिससे आप बहुत अच्छे से काम कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, कंट्रोल डी कर दिया मैंने यहाँ पे, फाइल सेव एज, यहाँ पे सेव करके देखते हैं, यहाँ पे कंट्रोल वी देन एंटर। स्विच करते हैं हमारे पे, यहाँ पे गए राइट क्लिक मटेरियल एट्रीब्यूट, ये जो है ना मटेरियल एट्रीब्यूट यहाँ पे गए। यहाँ देखो यहाँ पे मैं टेक्सचर को मैं कॉल कर सकता हूँ, यहाँ पे मैं टेक्सचरिंग पे गया और यहाँ पे मैंने ये PHD। देखो यहाँ पर जो चीज़ें आएंगी ना वो टेक्सचर वाला पार्ट आएगा कि भाई टेक्सचर में क्या पार्ट मैंने अभी यूज़ किया, अब ये पार्ट में देखना पड़ेगा कहाँ गए, और राइट क्लिक मटेरियल एट्रीब्यूट एंड ब्रेक कनेक्शन फाइल क्रॉस चेक करो वहाँ पे वो टेक्सचर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अभी क्या लुक एंड फील आपका जो बॉडी का स्ट्रक्चर है वो कैसा है, जो बॉडी का स्ट्रक्चर है वो आपको अलग दिखेगा यहाँ पे, और ये पार्ट आपको ऐसा अलग दिखेगा यहाँ पे। ये देखा यहाँ पे अभी जो टेक्सचर हम लोग यूज़ कर वो टेक्सचर यहाँ पे रैप हो रहा है। तो ये क्या, जैसे हम लोग मास्क यूज़ करते हैं यहाँ पे, मास्क यूज़ करने पर क्या होता है जैसा फेस होता है उसके ऊपर मास्क आता है, तो वैसे ये चीज़ आपके पास यहाँ पर आएगी क्या। देखा यहाँ पे, तो ये पार्ट आप ऐसे कुछ कर सकते हैं, लेकिन क्या जैसा हमारा स्कल का स्ट्रक्चर होगा वैसे ही वो पार्ट दिखेगा क्या। तो कुछ हमने टेक्सचर वही अप्लाई किया यहाँ पे, टेक्सचर वही है तो वो चीज़ को यहाँ पे दिखे भाई कैसे आपने मैनेज किया। सेम चीज़ है, अब देखो एक टेक्सचर ये है, ठीक है, एक टेक्सचर पहला वाला पार्ट है, तो टेक्सचर में आप क्या कर सकते हो चीज़ों को उठा के ला सकते हो। ये लो पॉली तो उसमें थोड़ा फिनिशिंग थोड़ा सा कम आएगा, लेकिन आप अगर वो देखोगे उसमें तो उसमें फिनिशिंग आपको ज़्यादा आएगा। जैसे एक लेवल और दिखाता हूँ आपको, तो एक टिप्स और दिखाता हूँ। जैसे यहाँ पे क्या है, अगर मैं यहाँ पे सिंपल टेक्सचर को मैं ऐसे लेता हूँ फ्रंट वाइज, ठीक है, कॉपी किया मैंने यहाँ पे, मैंने सेलेक्ट किया राइट क्लिक एंड असाइन, यहाँ पे चीज़ें मैनेज मैच नहीं होगा क्या, लेकिन हाँ तो मैं आपको आइडिया देता हूँ भाई कैसे क्या काम करते हैं। फिल गए यहाँ पे, चेक किया यहाँ पे, ठीक है, कंट्रोल वी देन एंटर। जैसे मैं टेक्सचर यहाँ पे रखूँगा, अभी देखो टेक्सचर मेरे पास यहाँ पे फ्रंट, यहाँ पे क्या गए फ्रंट, जैसे ये पार्ट है ना। अब ये टेक्सचर मैंने यहाँ पे लिया, ठीक है, ये टेक्सचर दिखे कैसे, यूवी एडिटर पे गए यहाँ पे, ठीक है, ये पार्ट दिख रहा है। अभी मैं चाहूँ इसका यूवी में थोड़ा सा चेंज करूँ, यहाँ पे यूवी टू सेल देखना है, यहाँ पे इसको आर प्रेस करो और देन यहाँ पे आप यहाँ पे मैनेज करोगे तो ये दिखेगा क्या यहाँ पे। तो ये जब तक मैं इसके साथ में मैच नहीं करूँ तब तक तो कुछ ये बेटर नहीं दिखेगी। या तो आप ऐसे करके मैच करना स्टार्ट करो, देखो दिखना है भाई नोज वाला पार्ट ऐसे दिखना है पे, आर फॉर स्केल, ये चीज़ आपको थोड़ा सा कवर अप करना पड़ेगा भाई कैसे मुझे क्या काम कर देगा। ठीक है भाई, ये पार्ट यहाँ पे देखो, ये पार्ट आपको यहाँ पे थोड़ा सा विजुअल होगा कि अगर मैं यहाँ पे किसी को फेस को ऐसे रख रहा हूँ तो मेरे पास ऐसा क्या पार्ट आ रहा है। तो देखो या तो मैं यूवीज को मैनेज कर रहा हूँ ऐसे, देखो यहाँ पे फ्रंट वाइज करूँ तो मैं ऐसे भी आएगा मेरे पास, यहाँ पे देखो आई किसी और का है, लेकिन यहाँ देखे ना यहाँ पे ये चीज़ मेरे पास ऐसे दिखेंगे ना कि मैं अगर मुझे यहाँ पे कोई काम करना है तो मैं कैसे क्या कर सकता हूँ। तो ये चीज़ हमें पहले देखना है कि भाई अगर मैं काम करूँगा तो मुझे यहाँ पे क्या करना है, यूवीज को क्या मैनेज सेट, ठीक है, ये मुझे मैनेज करना पड़ेगा क्या। तो जो यूवी ले रखा है उसके अकॉर्डिंग मैं ऐसे अरेंज करके वो लगाऊँ तो मैं बस ऐसे लगाना पड़ेगा मुझे यहाँ पे, ठीक है, क्लियर हो रहा है कि भाई ऐसे भी कुछ कम लोग काम कर सकते हैं और वैसे भी कुछ काम कर सकते हैं। अब ये डिपेंड आप पे करेगा कि भाई आपको कैसे क्या काम करना है। यूवीज आप ओपन कर लोगे, ऐसे हमने यूवीज ओपन किया, यूवीज ओपन करने के बाद हमने ऐसा कुछ दिखाया भाई ऐसा कुछ पार्ट है, तो ठीक है अभी यहाँ देखो, ठीक है, ऐसे करके भी डील कर सकते हैं।